हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिराज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिराज जी के ब्लॉग में। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो में, हम लोग बात करेंगे निर्मली स्टेशन के बारे में कि क्या अपडेट आया, कि कितना काम किया, क्योंकि इससे पहले का जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाया था उसमें क्या काम हुआ था और अभी क्या काम हुआ है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन निर्मली स्टेशन पर काम जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बदलाव आता ही है। तो आज का इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, निर्मली स्टेशन पे एक बहुत ही बड़ा घटना होने वाला था लेकिन वो बच गया। तो वो कौन सा काम था जो खराब हुआ और किस वजह से वहाँ पर घटना होने वाला था, तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, निर्मली स्टेशन के ऊपर जो अभी आप देख रहे हो, यहाँ पर जो रेलिंग लगा हुआ है, जो कि छत पे, यहाँ पर जो ऊपर छत बैठाने वाला रेलिंग लगा है वो लोहा का, ये जो है दोस्तों ऊपर में जैसे रखा गया था उसमें कुछ तकनीकी या उसको कुछ सही ढंग से नहीं रखा गया, जिसके कारण जो है वो ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिर गया। और नीचे गिरने के बाद इस्तीफा से वहाँ पर अच्छा हुआ कि उस टाइम में नीचे में वहाँ पर कोई लोग नहीं था, नहीं तो बहुत ही बड़ा घटना, बहुत ही बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाता। तो यही एक जानकारी था जो मैं आप लोगों को पूछ रहे, और भी जो जानकारी है और यहाँ पे कुछ ही दिन के बाद मालूम पड़ने वाला है कि 2 से 3 महीने के बाद जो निर्मली स्टेशन पे जो है वो यात्री ट्रेन का आना जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो वीडियो में 1 नंबर स्टेशन पे काफ़ी सारा काम जो बाकी था वो पूरा कर लिया गया। अब रह गया है वहाँ पे जो काम है, जो बाकी काम रह गया वह टिकट काउंटर को तैयार करने के लिए, टिकट काउंटर के अंदर जो मशीन है, कंप्यूटर वगैरह, और जो रिजर्वेशन का टिकट कौन सा होगा और कहाँ पे जनरल टिकट मिलेगा, वो सब जो है अभी वो सब का काम बाकी है। और नीचे में पार्किंग भी सही से नहीं बनाया गया, तो वो सब भी अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो वो काम जैसे ही पूरा होगा वो वैसे ही मैं आप लोगों को पूरा अपडेट देता रहूँगा। और दोस्तों, निर्मली को बड़ा होने का मुख्य कारण ये भी है कि निर्मली जो शहर है वो अपना नेपाल बॉर्डर से कुछ ही 1 किलोमीटर का दूरी पे है, और वहाँ पे इसलिए वो बड़ा शहर माना जाता है। यहाँ पर आप जो है नेपाल बॉर्डर के जितने भी लोग हैं,